The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, जो लोग पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, सबको पता है कि बच्चे, छोटे बच्चों की बीमार हो जाने के चांसेस बहुत होते हैं. उनके अंदर इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो बहुत सारी बीमारियाँ जो उनको हो सकती हैं, राइट. और इसमें कई सारी ख़तरनाक बीमारियाँ भी आती हैं, अपना मीज़ल्स, मम्प, रूबेला, डिफ्थीरिया, पोलियो, मेनिनजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस. सो वैक्सीन्स प्रोटेक्ट करती हैं इन बीमारियों से. और जब वैक्सीन्स नहीं थे, वैक्सीन्स आने के पहले कई सारे लाखों छोटे छोटे बच्चे इन बीमारियों से ग्रसित होके, सीरियस बीमारियों से ग्रसित होके कई सारे अपनी जान जा जाती थी उनकी. तो अभी भी ऐसा होता है कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी जैसी कंट्रीज़ में. सो वैक्सीन्स क्या करती हैं? वैक्सीन्स हमें उन बीमारियों से बचाती हैं, इम्यून करती हैं, ताकि हम अगर मान लीजिए ऐसा कोई डेंजरस वायरस, बैक्टीरिया हमारे अंदर आता भी है, तो हमें वो इतने डेंजरस लेवल पे नहीं अफेक्ट करेगा जितना वो कर सकता था. सो इसीलिए वैक्सीनेशन चाहिए होती है. मान लीजिए अगर आप ऐसे कोई जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई ऐसी बीमारी एंडेमिक होती है जो कि बहुत डेंजरस हो सकती है आपके शरीर के लिए, तो वैक्सीनेशन ले लेने से आप उस बीमारी के कुछ अंशों से पहले ही अवगत हो जाएंगे, आपका इम्यूनिटी और तैयार हो जाएगी कि अगर ऐसी कोई कीटाणु आपके अंदर, कोई वायरस आता भी है, तो आप उसके लिए सेफ हो जाएंगे. सेफ यानी बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में आप डिफेंड कर पाएंगे. सो कॉन्सेप्ट वैक्सीन का बहुत सिंपल है. और एक सिस्टम होता है कम्युनिटी इम्यूनिटी. क्योंकि देखो कई सारे देखो होता क्या है, इसमें दो तीन प्रकार की वैक्सीन आती है. लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि एक जीवित वायरस या जीवित बैक्टीरिया के को थोड़ा सा बीमार करके, उसकी एक्टिविटी कम करके, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके फिर आपके शरीर में डाला जाता है, ताकि वो बीमार वायरस को, वो बीमार यानी कमज़ोर वायरस को आप फट से मार दो, लेकिन आप उसको समझ लो कि ये ऐसे दिखने वाले भी जीव जंतु होते हैं, और अगर उनके जैसे बहुत सारी फौज फिर आपके पास आएगी, तो आप रेडी रहोगे कि ओके, वी नो व्हाट दिस पर्सन इज, व्हाट ये कि इसको कैसे मारना है, हमें पता है, राइट. सो बहुत सिंपल सी चीज़ है वैक्सीन. और डेड वायरस यानी उसी वायरस का कोई पार्टिकल दे दिया, मतलब कोई हिस्सा दे दिया कि भी एक छोटा सा हिस्सा है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लो आप, और आपकी इम्यून सिस्टम बना के रखती है. फिर जब भी वो उस तरीके का वायरस आपके अंदर आता है, तुरंत एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो सकती है. कोई प्रोसेस बाद में, वो जो बनने वाला प्रोसेस है, जो एक बार जो होता ना कि पहले रीड करेगा कि अच्छा ये इस तरीके का है, इस तरीके का, वो सारा प्रोसेस जो है स्किप हो जाता है, डायरेक्ट मास एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता, गपा गप मारना शुरू हो जाता है वायरसेस को, बैक्टीरियाज को. सो इम्यूनिटी वैक्सीन्स अच्छी चीज़ है. एक होता है, कई सारे वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं कम्युनिकेबल, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी को हो जाते. सो इससे क्या होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, समझ लो आप अगर एक आदमी को हो गया आपके मोहल्ले में, और वो दूसरे को दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया, ऐसे अब एक आदमी घूम रहा है सारी जगह फैलाते हुए, अब फिर उसके बाद दो घूम रहे, फिर तीन घूम रहे, फिर दस घूम रहे, तो आपके तरफ वायरसेस, वो बैक्टीरिया, वो कीटाणु आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, है ना. फिर आपके घर में भी आ जाएगा, क्योंकि 10 घूम रहे हैं तो और 20 घूमेंगे, फिर 50 घूमेंगे, है कि नहीं, फिर 100 के 100 घूमेंगे, फिर मान लो जितने भी लोग हैं सबको हो गई, कुछ ना कुछ हो गई. सो कम्युनिटी इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर सारे वैक्सीन ले लेते हैं, तो सबके अंदर वो वायरस एक के अंदर जाएगा, पहले के अंदर उसी में वो आदमी उसको मार देगा, तो ये फैलेगा ही नहीं, किसी को भी नहीं होगा, है ना. सो कम्युनिटी इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है. तो वैक्सीन आपके बॉडी को हेल्दी रख सकता है, अगर सारे प्रॉपरली करें, राइट. नहीं भी सारे करें तो एटलीस्ट अपने खुद का तो करो, राइट. खुद का तो करो, ऐसा नहीं कर रहा घर घर जाके सबको बोलो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. न्यू बॉर्न्स वैक्सीन करना ज़रूरी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ वैक्सीनेशन ज़रूरी है, एल्डर बुढ़ापे में वैक्सीनेशन ज़रूरी है, हर साल फ्लू वैक्सीन ज़रूरी है, राइट. अब इस वक्त मुझे भी सर्दी हो रखी है, फ्लू हो रखा है, अगर 200 से ज़्यादा फ्लू के वायरसेस हैं, अगर हमने वैक्सीन फ्लू शॉट नहीं लिया होता, तो हो सकता है डेंजरस वाला फ्लू हो जाता,
स्वाइन फ्लू हो सकता था, हम हॉस्पिटल पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं, वी टुक द वैक्सीन फ्लू शॉट, तो अब हमें फ्लू है भी तो माइल्ड फॉर्म में है। हाँ, वो अपना कोर्स करके जाएगा, एक हफ्ता लगेगा उसको, लेकिन आई कैन फंक्शन, राइट। सो दैट्स वॉट वैक्सीन्स हेल्प यू आउट। हर साल फ्लू शॉट इसीलिए लगाना है, हर साल अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेट करने का ये इम्पोर्टेंस है। इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, काफ़ी सारी इरेडिकेट हो सकती हैं, काफ़ी सारी ख़तरनाक बीमारियों को हम मतलब अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा प्रॉपरली अपने सबको बस इम्यून वैक्सीनेशन कर लें तो काफ़ी हो जाएगा। तो कौन कौन सी वैक्सीन आती भैया पता तो चले, है ना। सो वैक्सीन बहुत सारी आती है, ठीक है। डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्टुसिस की डी टैप आती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इनकी वैक्सीन आती है, राइट। एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, इन्फ्लुएंजा HIV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर वाली, जो HPV फीमेल के कैंसर्स हो जाते हैं उनकी वैक्सीन आती है, इन्फ्लुएंजा की आती है, फ्लू की, इन्फ्लुएंजा की लाइव एटेन्यूएटेड आती है, इनएक्टिवेटेड आती है, MMR आती है, बच्चों को लगती है, मीजल्स, मम, रुबेला, मदर को भी लगती है अगर माँ प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रॉब्लम है तो, MMRV आती है, मीबल्स, मम, रुबेला एंड वेरीसेला, मेनिंजोकोकल वैक्सीन आती है, मेनिंजोकोकल और ये बेसिकली बैक्टीरिया है, फिर पोलियो वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीरियस, ये सब निमोनिया की वैक्सीन, रोटावायरस की वैक्सीन, डिप्थेरिया और टिटेनस का वैक्सीन, टीडैप, डिप्थेरिया, टिटेनस, परसुसिस, वेरीसेला की वैक्सीन आती है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन आती है, हर्पी जोस्टर, लाइव जोस्टर, सिंगल्स वायरस की वैक्सीन आती है, लाइव और रिकॉम्बिनेंट दोनों आती है, और स्पेशल सर्कमस्टांसिस पे इवन एंथ्रैक्स की वैक्सीन आती है, कोलेरा वायरस की वैक्सीन आती है, एडिनो वायरस की वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन आती है, जो कुत्ता काटता है तो लगाते हो, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, टाइफॉइड की वैक्सीन आती है, जैपनीज एंसेफलाइटिस, येलो फीवर, इन सब की वैक्सीन्स आती हैं, ये बात याद रखिए आप, ठीक है ना। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट वैक्सीन्स, और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वैक्सीन के, उतना बहुत होता है। कुछ कुछ वैक्सीन से कुछ कुछ एलर्जीज हो सकती हैं, जैसे कुछ इरिटेशंस, इचिंग, कुछ कुछ वैक्सीन से आपकी सेंसिटिविटी हो तो एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। दैट डज नॉट मीन कि किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। ये एलर्जिक रिएक्शंस और ये जो प्रॉब्लम होता है, ये सारा कुछ परसेंटेज यानी लाखों में एक को होता है, तो हर एक को ऐसा कोई रिस्क नहीं है। सो अगर आप वैक्सीनेशन लेना चाह रहे हैं तो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो आप अपने डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। एडल्ट एज में, टीनेज एज में, हर एक को अपने अपने उम्र के अनुसार वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर हमारे और भी वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखना। कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ लो, हम बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं वैक्सीनेशन के बारे में बताने के लिए। तो एनी एंगल यू वॉन्ट टू सी, वैक्सीन्स विल प्रोटेक्ट यू, राइट। सो बहरहाल फ्लू शॉट के बारे में बता दूं, हर साल फ्लू के नया वायरस से वैक्सीन आते हैं, तो जाके उनको ज़रूर लीजिए, अपने अपने और अपने परिवार को लगाइए। 6 महीने से छोटे बच्चे को नहीं लगाया जाता, उससे ऊपर सबको लगाना चाहिए। फ्लू शॉट जूनियर आता है बच्चों के लिए, और एडल्ट वाला तो सबको लग सकता है। सो ये लगाने से, एक शॉट साल में एक बार लगाने से आपको डेंजरस स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी जैसी डेंजरस बीमारी, डेंजरस वायरसेस से बचा जाएगा। बाकी छोटे मोटे फ्लू हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा फ्लू वायरसेस हैं, मेन डेंजरस वाली चीज़ें हैं, उनसे बचाने के लिए वैक्सीन होती है, छोटे मोटे चीज़ों के लिए नहीं। छोटा मोटा तो हो सकता है, उसको आपको डील करना है डॉक्टर के पास जाके। सो हेपेटाइटिस बी, उसके लिए वैक्सीन आती है, जो लोग हॉस्पिटल स्टाफ्स या हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं उनको लगानी चाहिए। जो लोग निमोनिया, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ओवर एज एल्डरली, 60 साल की ऊपर है, 50-60 साल की ऊपर, तो आपको निमोनिया की वैक्सीन लगानी चाहिए। न्यूमोकोकल वैक्सीन ज़रूरी है, राइट। सो ये सारी छोटी छोटी वैक्सीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आती है, और भी बहुत कुछ आता है। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट वैक्सीन्स। आई होप यू अंडरस्टूड
आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, ज़रूर पूछिए। हम लोग बैठे हैं आपके पास आपके सवालों के जवाब देने के लिए और कोशिश हमारी चलती रहती है। राइट, सो एक डायबिटिक पेशेंट्स को ये सारे लगने चाहिए, नीमोकोकल वैक्सीन, फ्लू शॉट, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हर्पीज, MMR, TDAP और पोलियो वैक्सीन, ये सारा लगना चाहिए। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन आई हैव फॉर टुडे ऑन वैक्सीन। सो आई वैक्सीन्स विल हेल्प यू लिव बेटर, बी हेल्दियर एंड अवॉइड मास गिव यू मास इम्यूनिटी, कम्युनिटी इम्यूनिटी टू अवॉइड एनी सीरियस डिजीजेज। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी आर हियर टू आंसर। थैंक यू।